किस्मत मेरी सोनिया, दिल दा है वरांदा खाली तेरे ना, अभी तू ते खुश मैं काफी रहनिया माहिया। अरे अंकल चलो ना। वाह अंकल कितना मजा आ रहा है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ मजा आ रहा है, व्हाट इज दिस सीरत। अरे अंकल एंजॉय ना। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे नहीं पसंद है, प्लीज छोड़ो। सीरत व्हाट इज दिस यार, ये क्या बचपना है। सारे कपड़े गीले हो गए। गुस्से में भी कितने हैंडसम लग रहे होंगे। जानी नजरों से क्यों देखने लगे हो अंदर? हाँ जी, आज भी याद है जब हम पहले शुरू शुरू में मिले थे तो कैसे प्यार से देखा करते थे तुम मुझे, कैसी नजरों से देखा करते थे, कितने प्यार से बातें करते थे मेरे साथ। मुझे हमारी वो सारी बातें, वो सारे मोमेंट्स बहुत याद आते हैं अंदर। हमारा हम होना याद आता है। हम एक बार फिर से एक क्यों नहीं हो सकते अंगद? सीरत ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस बस नहीं, बहुत गलत है ये। मेरी बात सुनो अंगद। तुम मेरी बात सुनो। सीरत तुम्हें मेरे बारे में बहुत गलतफहमी हो गई है। मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ और जो तुम सोच रही हो उसमें बहुत फर्क है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, उसका ये मतलब नहीं था। हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है, इसे लांघना तो दूर, लांघने के बारे में सोचना भी होना है। अंगद मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या महसूस करते हो, क्या फील करते हो। अगर तुम भी ये मर्यादा वर्यादा के दिखावे के दायरे को हटाकर देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि वाकई तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। सीरत देखो, मैं जानता हूँ कि कैरी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम बहुत परेशान हो। इस वक्त शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सहारे की जरूरत है, कोई होना चाहिए तुम्हारे साथ जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारा साथ दे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे